बच्चों, हेलो। हमने घोड़ा और उसका साया इस जो सबक है आपको देखना है कि जो साया है शैडो है किस तरह से बनता है। ठीक है, तो आज हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ अलग अलग चीजें हैं, उनका हम साया बनाते हैं। साया बनाने के लिए हमसे सबसे पहले चाहिए रोशनी या लाइट। तो हमने क्या ली है, एक मोमबत्ती ली है। इस मोमबत्ती को हम यहाँ पर क्या करते हैं, जलाते हैं। जैसे इसकी रोशनी होगी, देखते हैं हम इसका साया किस तरह से यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, कभी भी घर पे इस तरह के काम करते हुए बड़ों की मदद लेनी चाहिए। हाथ जल जाएगा या तुमको चोट लग सकती है ना। तो इस तरह के कामों में हमेशा अपने बड़ों की मदद, अगर ये बुझ जाएगा ना तो इसको हिफाजत से किसी ऐसी जगह पर रखना चाहिए कि किसी को उससे नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं, हमारे पास अलग अलग चीजें हैं, हम देखते हैं कि उसका शैडो किस तरह से आए। तो ये जल गए, तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं एक कप। ठीक है, ये कप है, हम यहाँ पर इसको इस तरह से रखते हैं। देखो यहाँ पे रखा तो दिख रहा है ये साया, नहीं दिख रहा है ये, देखो मेरे हाथ का दिख रहा है थोड़ा बहुत, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस कप को थोड़ा सा उठाते हैं। देखो जैसे ही कप इसके पास आया, ये देखो दिख रहा है ना साया कप का, हाँ दिख रहा है ना साया कप का, हाँ ये कप का साया है। अब देखो अगर मैं कप को दूर ले जाऊंगी तो साया क्या हो जाएगा, छोटा। जैसे जैसे करीब लेके आए तो साया क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है ना। चलो हम और चीजों का देखें। ठीक है, ये देखो ये क्या है, गोटी। एक गोटी यानी कंचा। देखो अभी इसको दिख रहा है क्या साया, नहीं दिख रहा है। हम यहाँ करते हैं इसको थोड़ा सा करीब ले जाते हैं, फिर भी गोटी नहीं दिख रही, क्यों, क्योंकि वो मेरे हाथ में है। अच्छा ये देखो ये क्या बन गया, क्या लग रहा है, किरण की रस्सी दिख रहा है तुमको हाथ मेरा। तो हम हाथ से भी साया बना सकते हैं, कोशिश करें क्या, चलो देखते हैं। ये देखो ये देखो ये बन गया हिरन, है ना, दिख रहा है हिरन जैसा, हाँ ये हिरन बन गया। अब देखते हैं ये देखो ये वाला पहचान कौन सा है। ठीक है, क्या है ये, लग रहा है क्या कुत्ते जैसा, है ना, दिख रहा है ना। और क्या बना सकते हैं, मछली। मछली राइट, तुम लोग देखो कोशिश करके मछली बन जाएगी, मेरे हाथ थोड़े बड़े हैं। यहाँ पे साया दिखना चाहिए आपको उसका, ए नाइस। तितली थोड़ा नीचे लो, इधर आ जाओ, हाँ हाँ गुड। तुम बताओ तुम बना के देखो, तुमको इधर आना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा कैंडल को दूर कर दें, हाँ आप बना के देखो, तुम देखो जरा तुम्हारा हाथ उधर है ना, हाँ। तो इस तरह से हम साये बना सकते हैं। हम कुछ और चीजों के भी साए देखते हैं, देखो जैसे कि ये क्या है, गम बॉटल है, हाँ। गम बॉटल को अगर हम इस तरह से पकड़े, दो दिख रहा है ना, छोटा हो जाएगा, अगर नजदीक लेके आएंगे तो बड़ा है। कभी कभी रात में हमको क्या डर लगता है, कह रहे कुछ पीछे है क्या, है ना, है ना। साए की वजह से ऐसा लगता है कि बहुत ही मॉन्स्टर है, कुछ डरावना सब भूत वगैरह, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। वो जस्ट किस लिए दिखता है कि हमको साया है, साया और दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे कि ये वाला इसका साया, अगर हम सिर्फ इसका साया देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि मॉन्स्टर है, बहुत बड़ा सा ना, एक बालों वाला एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर जो हमारी तरफ आ रहा है। लेकिन ये मॉन्स्टर है क्या, नहीं है। ये क्या है, एक तो प्यारा सा क्या है, पौधा है। जस्ट इसके साया की वजह से हमको ऐसा लग रहा है कि ये मॉन्स्टर है। अब देखो सिर्फ साया देखना तुम लोग, और बताना कि क्या लग रहा है ना, स्नेक लग रहा है। अगर अंधेरे में कभी हमको ऐसा दिख जाए तो हम कितना डर जाएंगे, कैसा स्नेक हमको खाने के लिए आ रहा है ना। लेकिन हकीकत में स्नेक है क्या, नहीं है। क्या है, ये एक हाथ का साया है। किसी भी बात पर यकीन करने से पहले हमको देखना चाहिए कि गौर करना चाहिए कि वो चीज वाकई में वैसी है या उसके पीछे कोई और रीजन है, तब हम जाकर समझ पाएंगे कि हकीकत अलग होती है और हम जो सोचते हैं वो अलग होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसके बाद कि हमको हमारी नजर में क्या दिया गया है। ओके, थैंक यू।